अभिभावक महोदय नमस्कार। आज मैं बच्चों को कविता बोलनी सिखाऊंगी। आप देख लेना कविता मैं कैसे बोल रही हूँ, इसको लिख लेना अच्छे से उतार के, फिर बच्चों को बोल बोल के ये कविता करवाना। दाएं बाएं का बच्चों को ज्ञान आएगा और इससे लिखने का भी सारा, इसी टाइप की कविताएं हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, इसी ट्यून में बोलना, एक बार बोलोगे तो आ जाएगी। जैसे हाथ ऊपर नीचे करेंगे, दाएं बाएं करेंगे, वैसे आगे पीछे बच्चों को पहचान होगी। ऊपर पानी, नीचे पानी, बाएं पानी, दाएं पानी, आगे पानी, पीछे पानी, मछली जल की रानी, रानी जीवन उसका पानी, पानी हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब हाथ ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो बच्चे को पता चलेगा ऊपर नीचे कैसे है, फिर दाएं बाएं करेंगे ये पता चलेगा, फिर आगे करेंगे पीछे करेंगे, यानी बच्चों को पूरी इस कविता के माध्यम से नॉलेज हो जाएगी। और मछली ऐसे बना के फिश उनको दिखाना। अब दूसरी भी पोइम कुछ इस टाइप की है, जैसे इससे बच्चे को लिखना आता, गोल गोल घुमाना, दाएं बाएं चलना, ऐसे ही ये कविता है। कविता के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो आप ये कविताएं उतार लेना पहले वीडियो में से। बच्चों को वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपके लिए ये वीडियो भेजा जा रहा है। इसको उतार के फिर बच्चों को बोलना सिखाना है आपको। दो चार बार ये पोइम बोलोगे बच्चे खुशी खुशी बोलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये कविता। अब दूसरी मैं बोल रही हूँ, पहले उंगली एक घुमाओ, ऐसे पहले उंगली एक घुमाओ, गोल गोल उसको घुमाओ, अब आधे गोले पे रोको, दाएं से बाएं ले जाकर अब ले जाओ सीधी सीधी, दाएं बाएं ऊपर नीचे उंगली की कसरत की सारी, लिखने की अब करो तैयारी। बच्चों को कहो बेटा अब लिखेंगे, अपनों ने ऐसे ई तक सिखाया हुआ है बच्चों को, वही मैं आज एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ई। बच्चों को थोड़ा सा ऐसे अनार बना के दिखाओगे तो बच्चे अनार बनाएंगे, कोशिश करेंगे, आए अपनी उंगलियां हिलाएंगे। फिर बच्चे को ऐसे आम बना के दिखाओगे तो बच्चे आम बनाने की भी कोशिश करेंगे, लो बच्चों आम बन गया। उल्टा सीधा कुछ तो बनाएंगे ही। फिर ऐसे इमली बनाना सिखाओगे, इजी एकदम, ऐसे करके इमली। फिर बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों ईक गन्ना होता है ना खेत में, कितना बड़ा सारा अपने गन्ना खाते हैं ना, ये बच्चों क्या है ईक। अब इनको आप डॉट ऐसे लगा के दोगे, पहले मैंने टै बनाना सिखाया था इसमें, फिर मैंने ऐसे बनाना सिखाया था, फिर ऐसे करके ऐसे बन जाते हैं इसे। ये देखो ऐसे अनार, बच्चों को आप जितना बोलना सिखाओगे ना, सबसे पहले बोलना जरूरी सीखना है। जब बच्चों को बोलना आ जाएगा ना तो लिखना अपने आप आ जाएगा। ऐसे पूरे भी लगा के दे सकते हो। वीडियो को मैं जैसे बोल रही हूँ उसको सुनना भी है, पूरा सुनने के बाद आप बच्चों को सिखा सकते हो। जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे ही सीखेंगे बिंदिया लगा के, ऐसे डॉट डॉट लगा के आप इनको देना, ठीक है अभिभावक महोदया? ऐसे ही इनको सिखाना है, ये दोनों कविताएं बार बार रिपीट करनी है। और ऐसे ई तक तो मैंने सिखा दिया, अगर आप ऐसे अंग तक भी सिखा सकते हो तो बोलना, तो इसको प्रैक्टिस कराते रहना अपने अपने बच्चों को। प्रैक्टिस पे ही बच्चों को बोलना लिख आता है, फिर पहले बच्चे सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर बच्चे लिखेंगे। ठीक है, नमस्कार।